दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक पॉलिसी बीते अगस्त में समाप्त हो गई। एक तरफ जहां खरीदारों और डीलर्स को नई पॉलिसी आने का इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर ईवी ऑटो चालकों को अब तक का अनुभव खराब साबित हो रहा है। सहयोगी अतुल रंजन की रिपोर्ट देखते हैं। 44 सालों से हरिराज ऑटो चला रहे हैं और पिछले 2 सालों से इलेक्ट्रिक ऑटो। दिन के 650 रुपए ऑटो के मालिक को देना होता है। ये जो बजाज के ऑटो हैं, ये पीले वाले, तो ये बजाज के ऑटो वाले आगे अगर हमारे खड़े हैं, जब तक इनमें सवारी नहीं बैठेगी, हमारे में नहीं बैठेगी। जब ये मना कर देंगे तो जब ये आके हमारे पास आते हैं, फिर हमारी ऐसा इसलिए कि वो यही सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, पता नहीं घर तक पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी। अच्छा, भरोसा नहीं है उन्हें? भरोसा नहीं है, तो कई सवारियां कट जाती हैं इस हिसाब से। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का एक लक्ष्य ये है कि साल 2024 यानी इसी साल से दिल्ली में बिकने वाली हर चौथी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर राजधानी में सुचारू ढंग से काम कर रहा हो, और इसी का हाल जानने के लिए हम आज राजधानी के अलग अलग ईवी ऑटो ड्राइवर से बात करने पहुंचे हैं, जहां हम उनका अनुभव साझा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में किस तरह से काम कर रहा है। ईवी ऑटो चालकों का अब तक का अनुभव उनको निराश करने वाला है। ज्यादातर ड्राइवर चार्जिंग स्टेशन की कमी और बैटरी की खराब क्वालिटी से परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि फुल चार्ज होने के बाद भी बैटरी उतना काम नहीं करती जितने की दावे किए जाते हैं। बहुत कम है ना, गिने चुने साउथ दिल्ली में मुश्किल से 8-10 होंगे पूरी दिल्ली में हमारे, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे को इसमें टाइम लगता है 3 घंटे अगर हम इसे चार्ज करते हैं। अब 3 घंटे हमारे को चार्ज करने में लगेंगे, उसके बावजूद भी अगर हम प्राइवेट से कर रहे हैं तो हमारा 150 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो क्या फ़ायदा है बताओ। इससे अच्छा 250 रुपये की गैस दला के CNG नहीं दलाएंगे, पूरे दिन चलेगी वो गाड़ी, और 3 घंटे जो हम बैठेंगे उसमें तो हम कमा सकते हैं CNG से। एक तो मेरे को रेंज प्रॉब्लम है, जो गाड़ी कंपनी ये प्याजो कंपनी कह रही है कि 120 किलोमीटर चलेगी, मगर आजकल क्या हो रहा है 80, 70, 90। अब इसमें आदमी क्या कमाएगा और क्या अपना खर्चा चलाएगा। दूसरी प्रॉब्लम यह है इसकी, ये चार्जिंग इशू, ये तो फास्ट चार्जर नहीं है, 3-3 घंटे में चार्ज होती है। कई ईवी ऑटो चालकों को ये लगने लगा है कि CNG से ईवी की तरफ आना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसके महंगे पुर्जे पहले ही परेशान कर रहे थे, लेकिन अब शिकायतों पर ऑटोमोबाइल कंपनियों का रवैया भी सताने लगा है। ये गाड़ी का जो मेंटेनेंस है सर, वो बहुत महंगा है। गाड़ी की कीमत है 3,30,000 रुपये। अगर हम कंपनी के पार्टों का टोटल करें कंपनी के हिसाब से, तो ये 7 लाख के आसपास जा रही है सर गाड़ी। हम जैसे गरीब बंदे कहाँ से भरेंगे इतने पैसे सर। इसकी बैटरी 2,20,000 रुपये की है, कंट्रोलर 1,20,000 रुपये का है, और इसका चार्जर 62,500 रुपये का सर, जो कार का भी नहीं है बताइए सर, और एक साल में खराब हो जाता है सर। कंपनी वाले सुनते नहीं है। आज मैं कंपनी गया था, गाड़ी लेके गया था, मैं 4 महीने धक्के खा रहा हूँ, 4 महीने से धक्के खा रहा हूँ कि मेरे बैटरी की जो रेंज प्रॉब्लम है वो दूर नहीं कर रहे हैं। कहते हैं डाटा भेजो, डाटा क्या होता है क्या नहीं होता। अब एक आम आदमी जो ड्राइवर है उसे क्या पता डाटा, अब डाटा के चक्कर में वो घुमाने में लगे पड़े हैं, वो सारा टाइम बर्बाद करने पर लगे पड़े हैं और 3 साल पूरा करना चाह रहे हैं। बैटरी की खराब क्वालिटी का ये आलम है कि कई दफा ऐसे ऑटो चलते चलते बीच सड़क पर ही बंद हो जाते हैं। ये गाड़ी एक ऐसी है सर, गाड़ी स्पीड में आ रही होगी तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो जाती है, और हमें डर ये रखता है कि पीछे से कोई गाड़ी आके हमें उड़ा ना दे, और ये वाकया हर गाड़ी वाले के साथ कई बार हो चुके हैं। इन तमाम शिकायतों के बीच दिल्ली की ईवी पॉलिसी की समय सीमा हाल ही में पूरी हो गई। इससे ईवी वाहनों को मिलने वाली कई तरह की सुविधाएं अब बंद हो गई हैं। अगस्त में समाप्त हो गई दिल्ली की ईवी नीति। ईवी वाहनों को अब देना पड़ रहा है 7-10% तक रोड टैक्स। पॉलिसी की अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों को कोई रोड टैक्स नहीं देना था। अब ईवी वाहनों के दाम भी 10% तक बढ़ गए हैं, और बढ़े दामों का सीधा असर ईवी की खरीद पर दिखने लगा है। अब तक सितंबर महीने में किसी कमर्शियल ईवी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं हुआ है।
हालांकि खबर ये भी है कि ट्रांसपोर्ट विभाग जल्द ही ईवी पॉलिसी 2.0 लाने पर चर्चा कर रहा है। मंगलवार को ईवी डीलर्स और पुर्जे बनाने वाली कंपनियों ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से इस मुद्दे पर मुलाकात की है। बहरहाल ईवी में स्विच करने की दिशा में आ रहे समस्याओं पर कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये कठिनाइयाँ टेम्पररी हैं और वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। जब हम डीजल से सीएनजी में चेंज कर रहे थे तब सीएनजी स्टेशन पे कितनी लंबी लंबी कतार लगी रहती थी ऑटोज की, क्योंकि एक तो कंप्रेशन रेशियो सही नहीं था, तो जिस स्पीड से सीएनजी ये भरा जा रहा था वो स्पीड कम था। उसके अलावा सीएनजी स्टेशंस भी उतने नहीं थे जितने ऑटोज थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो प्रॉब्लम अभी नहीं रहा, अभी आधे घंटे में हो जाता है। उम्मीद की जा रही है कि अगर सरकार दूसरी ईवी पॉलिसी लेकर आती है तो उससे ईवी चालकों की समस्याओं में कमी आ जाएगी। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया।